2022 में लगभग 29 गाड़ियां 29 न्यू कार्स लॉन्च होने वाली हैं, जिनमें से कुछ फेसलिफ्ट हैं, कुछ नेक्स्ट जनरेशन है, तो कुछ बिल्कुल नए प्रोडक्ट्स हैं। आप भी जानते हो कि इंडियन कस्टमर्स आजकल एसयूवीज को बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं, और यही वजह है कि इन 29 नई गाड़ियों में से 15 एसयूवीज हैं। इन 15 एसयूवीज में से एक एसयूवी स्कोडा कोडियाक फेसलिफ्ट 10 जनवरी को लॉन्च हो चुकी है। अब बात कर लेते हैं बाकी बची हुई 14 एसयूवीज के बारे में कि ये कौन कौन सी हैं और कब कब लॉन्च होने वाली हैं। 23 ऑफ जनवरी को लॉन्च होने वाला है टोयोटा का पिकअप ट्रक हाइलक्स। अब यहाँ से कई सारे लोग सोच रहे होंगे कि यार बात कर रहे थे आप एसयूवीज की, बता रहे हो पिकअप ट्रक के बारे में, आप असल में एक सिंगल पिकअप ट्रक के लिए अलग से वीडियो तो बनाना सही रहेगा नहीं, इसलिए मैंने पिकअप ट्रक को भी एसयूवीज में ही इंक्लूड कर लिया है। वैसे तो इंडियन मार्केट में पिकअप ट्रक की डिमांड नहीं है और उसी हिसाब से यहाँ पर पिकअप ट्रक के लिए ऑप्शंस भी नहीं मिलते, लेकिन अगर टोयोटा का एक पिकअप ट्रक इंडिया में लॉन्च होता है रीजनेबल प्राइसेस में तो जरूर इसे कुछ लोग होंगे जो पसंद करेंगे। बात करें हाइलक्स के बारे में तो कॉस्ट को थोड़ा कम रखने के लिए ये इनोवा और फॉर्च्यूनर वाले प्लेटफॉर्म के ऊपर ही बेस्ड होने वाला है। इसके अलावा कॉस्ट को और रीजनेबल रखने के लिए इसमें आपको सेगमेंट के हिसाब से फुली लोडेड फीचर्स नहीं मिलेंगे, ठीक ठाक फीचर्स ही मिला करेंगे। मतलब कि जिस तरह से फॉर्च्यूनर में सेगमेंट के हिसाब से फीचर्स नहीं मिलते हैं, कुछ ऐसा ही हिसाब किताब हाइलक्स के साथ भी आपको देखने को मिलेगा। इसमें दो तरह के इंजन मिल सकते हैं, एक्जैक्टली अभी तक कंफर्म नहीं है कि किस इंजन के साथ इसे लॉन्च किया जाएगा। एक है 2.4 लीटर डीजल इंजन जो लगभग 150 पीएस पावरफुल है और 360 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है। दूसरा है 2.8 लीटर डीजल इंजन जो लगभग 204 पीएस की पावर जनरेट करता है और 500 एनएम का टॉर्क। चूंकि ये एक पिकअप ट्रक है इसलिए इसमें आपको टू व्हील ड्राइव के साथ साथ ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन भी मिलेगा। और रही बात एक्सपेक्टेड प्राइसेस की, तो 30 से 32 लाख रुपए के प्राइस सेगमेंट में से लॉन्च किया जा सकता है। अगली गाड़ी जो जनवरी में लॉन्च होगी वो है ऑडी Q7 का फेसलिफ्ट। ये गाड़ी पहले भी इंडिया में रह चुकी है लेकिन BS6 नॉर्म्स के टाइम पर इसे डिसकंटिन्यू कर दिया गया था और अब वापस से एक फेसलिफ्ट के साथ इसे लॉन्च किया जाना है। इस गाड़ी के डिजाइन में जो चेंजेस मिलेंगे वो तो मिलेंगे ही, लेकिन सबसे बड़ा चेंज है कि ये अब सिर्फ और सिर्फ 3 लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन के साथ ही मिला करेगी। इसमें डीजल इंजन का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। पेट्रोल इंजन में आपको 48 वोल्ट की माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी भी मिला करेगी, जिसमें परफॉर्मेंस और माइलेज दोनों में ही इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। बात करें एक्सपेक्टेड प्राइसेस की, तो इसे लगभग 75 लाख रुपीस की प्राइस सेगमेंट में लॉन्च किया जा सकता है। अगली गाड़ी है जिसे फरवरी में लॉन्च किया जाएगा, BMW X3 का फेसलिफ्ट। इस गाड़ी को ग्लोबली बहुत पहले ही अनवील किया जा चुका है लेकिन इंडिया में ये अब आने वाली है 2 लीटर पेट्रोल और 2 लीटर डीजल इंजन के साथ में। बहुत अच्छी बात है कि आजकल डीजल इंजन कोई नहीं दे रहा है लेकिन BMW वाले इस गाड़ी में डीजल इंजन का ऑप्शन भी आपको देने वाले हैं। क्योंकि ये एक फेसलिफ्ट होगा इसलिए इसमें आपको डिजाइन में भी काफी सारे चेंजेस मिलेंगे, जैसे कि रिवाइज्ड हेडलैम्प्स, टेल लैम्प्स, फ्रंट में आपको किडनी शेप्ड बड़ी सी एक ग्रिल मिलेगी, 19 इंच के अलॉय व्हील्स मिला करेंगे और इंटीरियर में भी कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। बात करें एक्सपेक्टेड प्राइसेस की, तो इसे लगभग 60-65 लाख रुपीस की प्राइस सेगमेंट में लॉन्च किया जा सकता है। अगली गाड़ी है सिट्रन की C3, जिसे मार्च और अप्रैल के आसपास लॉन्च किया जा सकता है। सिट्रन कंपनी का नाम दिमाग में आते से ही ध्यान आती है C5 एयरक्रॉस, जो बिल्कुल भी नहीं चली। इस गाड़ी को इंपोर्ट किया जाता है, दुनिया भर की अनाप शनाप महंगी है, जिस वजह से इसे मुश्किल से 30 से 40 लोग हर महीने खरीदते हैं। लेकिन इस मामले में सिट्रन C3 बिल्कुल उल्टी होने वाली है C5 एयरक्रॉस के। मेरा मतलब है कि C3 को इंडिया में ही बनाया जाएगा, इसे इंपोर्ट नहीं किया जाएगा, जिसकी वजह से इसकी प्राइसिंग काफी एग्रेसिव होगी। सिट्रन वालों का ऐसा कहना है कि इस गाड़ी के 90% पार्ट्स को इंडिया में ही मैन्युफैक्चर किया जाएगा। अगर वाकई में ऐसा होता है तो इसकी प्राइसिंग वाकई में तकड़ी होगी। वैसे ये एक SUV कम और क्रॉसओवर ज्यादा नजर आती है, लेकिन इंडिया में तो सब कुछ चलता है, किसी को भी SUV बोल दो, किसी को भी MUV बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस गाड़ी को सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल इंजन में लॉन्च किया जाएगा, जहां तक इसमें 1.2 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन मिला करेगा। इसके अलावा एक और जरूरी बात, इस गाड़ी में सेगमेंट के हिसाब से आपको फीचर्स ज्यादा नहीं मिला करेंगे, ठीक वैसे ही जैसे C5 एयरक्रॉस में सेगमेंट के हिसाब से फीचर्स नहीं मिलते हैं, वैसी ही कहानी कुछ इस गाड़ी के साथ भी आपको देखने को मिलेगी। और यही सबसे बड़ा कारण हो सकता है कि ये गाड़ी ना चले, क्योंकि आजकल जो ट्रेंड चल रहा है वो ये है कि ज़्यादातर कस्टमर्स फुली लोडेड फीचर्स वाली गाड़ियों के पीछे भाग रहे हैं। देखते हैं ये कितना कमाल कर पाती है। रही बात एक्सपेक्टेड प्राइसेस की, तो लगभग इसे 6.5 से 10 लाख रुपए के प्राइस सेगमेंट में लॉन्च किया जा सकता है। अगली गाड़ी है महिंद्रा स्कॉर्पियो का फेसलिफ्ट। बिल्कुल सही सुना है आपने, फेसलिफ्ट, ना कि नेक्स्ट जनरेशन। असल में इस समय इंडियन मार्केट में जो स्कॉर्पियो अवेलेबल है उसकी बिक्री भी काफी तगड़ी है और उस बिक्री को महिंद्रा वाले खोना नहीं चाहते।
इसलिए पुराने वाले जनरेशन को एक फेसलिफ्ट दिया जाएगा और नेक्स्ट जनरेशन तो लॉन्च होगी ही होगी। मतलब कि महिंद्रा दोनों ही हाथों में लड्डू रखना चाहता है और ये सही भी है। जिन लोगों को पुरानी लेना हो वो पुरानी लें, जिन लोगों को नई लेना हो वो नई लें। इस फेसलिफ्ट में आपको इंजन में कोई बदलाव नहीं मिलेगा, सब कुछ पहले जैसा ही होगा, लेकिन डिजाइन में आपको कुछ कुछ चेंजेस मिलेंगे, जैसे कि ग्रिल, हेडलैम्प्स, इंटीरियर में थोड़े बहुत चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे ताकि एक रिफ्रेशिंग माहौल बनाया जा सके। लगभग जून या जुलाई के आसपास इस फेसलिफ्ट को लॉन्च किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं तो अगली गाड़ी है 7 सीटर जीप कंपस, जिसका नाम इंडिया में जीप मेरिडियन हो सकता है। जीप वालों का इकलौता ऐसा प्रोडक्ट है कंपस, जिसे इंडियंस ने काफी ज्यादा पसंद किया। एक प्रीमियम कंपनी की गाड़ी इतने कम बजट में मिल रही है तो लोग क्यों ना खरीदें। और अब उसी गाड़ी का एक 7 सीटर वर्जन आपके पास आने वाला है। इस गाड़ी में आपको लगभग सब कुछ नया मिलने वाला है, क्योंकि इंटीरियर में आपको स्पेस ज़्यादा मिलेगी। ऑब्वियसली थर्ड रो मैनेज करनी है तो स्पेस तो इंक्रीज करनी ही पड़ेगी। कंपस से कई ज़्यादा इसमें फीचर्स मिलेंगे, उससे कई ज़्यादा प्रीमियम ये गाड़ी होने वाली है। इसमें 2 लीटर डीजल इंजन मिला करेगा विद माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, जो लगभग 200 BHP की पावर जनरेट किया करेगा और ठीक ठाक लगभग 15-17 KMPL के आसपास इसमें माइलेज भी क्लेम किया जा सकता है। मैं आपको बता दूं कि जीप वाले इस गाड़ी को फॉर्च्यूनर और ग्लॉस्टर जैसी गाड़ियों के अगेंस्ट उतारने वाले हैं, तो ऑब्वियसली उतनी ही प्रीमियम फील इनको देनी भी पड़ेगी। बात करें लॉन्च टाइम की, तो लगभग जून या जुलाई के आसपास इसे लॉन्च किया जा सकता है। और रही बात एक्सपेक्टेड प्राइसेस की, तो इसे लगभग 30-35 लाख रुपए के बजट में लॉन्च किया जाएगा। अगली गाड़ी है नेक्स्ट जनरेशन महिंद्रा स्कॉर्पियो, जो बिल्कुल फेसलिफ्ट पहले आएगा और नेक्स्ट जनरेशन बाद में आएगी। अभी तक की खबरों की माने तो 2002 में स्कॉर्पियो को इंडिया में लॉन्च किया गया था और तब से लेकर अब तक इस गाड़ी को फेसलिफ्ट तो 2-3 बार मिल गए हैं, लेकिन अभी तक कोई भी नेक्स्ट जनरेशन नहीं मिली है। ये इस गाड़ी की सेकंड जनरेशन होने वाली है। इसमें आपको सब कुछ नया मिलेगा, सिर्फ नाम पुराना होगा स्कॉर्पियो, जैसे कि कैबिन में स्पेस ज़्यादा मिलेगी, फीचर्स पहले से काफ़ी ज़्यादा तगड़े मिलने वाले हैं, पहले से बड़ी टच स्क्रीन होगी, रूफ माउंटेड स्पीकर्स होंगे थार की तरह, पैनोरामिक सनरूफ मिलेगी स्कॉर्पियो में। कभी किसी ने सोचा नहीं होगा कि स्कॉर्पियो जैसी देसी गाड़ी में इतना प्रीमियम मोस्ट एडवांस फीचर पैनोरामिक सनरूफ देखने को मिलेगा। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम वगैरह जैसे कई सारे ढेरों फीचर्स इस गाड़ी में आपको मिलने वाले हैं। इसमें आपको 6 सीटर और 7 सीटर दोनों ही सिटिंग ऑप्शंस मिला करेंगे। और रही बात इंजन की, तो इसमें 2.2 लीटर डीजल और 2 लीटर पेट्रोल इंजन दोनों के ही ऑप्शंस आपको मिलने वाले हैं। खबरों की माने तो XUV 700 की तरह इसके टॉप वेरिएंट में भी आपको ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन मिल सकता है। बात करें लॉन्च टाइम की, तो इसे जुलाई या अगस्त के आसपास लॉन्च किया जा सकता है। और रही बात एक्सपेक्टेड प्राइसेस की, तो 14 से 22 लाख रुपए के प्राइस सेगमेंट में इसे लॉन्च किया जा सकता है। अगली गाड़ी है हुंडई वेन्यू का फेसलिफ्ट। ये फेसलिफ्ट इंडिया में इसी साल लॉन्च होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। हालांकि ये बात भी सही है कि इंडियन रोड्स पर इसे टेस्ट करते हुए अभी तक देखा नहीं गया है। इंडिया के बाहर जरूर इसकी टेस्टिंग चालू हो गई है, लेकिन खबरों की माने तो बॉस ये इस साल लॉन्च होगी, और वो भी लगभग जुलाई या अगस्त के आसपास इसे लॉन्च कर दिया जाएगा। मतलब कि क्रेटा के फेसलिफ्ट के पहले वेन्यू का फेसलिफ्ट इंडियन रोड्स में आ जाएगा। बात करें चेंजेस की, तो इसमें इंजन में कोई बदलाव नहीं मिलेगा, पहले की तरह पेट्रोल और डीजल इंजन जो थे वही मिला करेंगे, लेकिन इसमें आपको ग्रिल नई तरह की मिला करेगी, हेडलैम्प्स को रिवाइज कर दिया जाएगा, पीछे के टेल लैम्प्स नए डिजाइन के मिलेंगे और इंटीरियर में भी कुछ चेंजेस किए जाएंगे। और रही बात फीचर्स की, तो कंपटीशन को और गर्म करने के लिए इसमें और फीचर्स दिए जाने वाले हैं। बात करें प्राइसेस की, तो वही लगभग इसे 7.5-12 लाख रुपए के प्राइस सेगमेंट में लॉन्च किया जाएगा। जुलाई या अगस्त के आसपास ये इंडियन मार्केट्स में आ जानी चाहिए। अगली SUV है जिसका लगभग हर कोई इंतजार कर रहा है, नेक्स्ट जनरेशन। अगर आप अपनी गाड़ी के लिए कोई सस्ती और अच्छी एसेसरी खरीदना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारी जानकारी दी हुई है, आप चाहो तो वहां पर जाकर देख सकते हो, पसंद आए तो खरीद भी सकते हो। तो चलिए इस वीडियो में तो बस इतना ही, आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।